बड़ी सही बात बोली, जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी, ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी, और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था, और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने दो तीन चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं, एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. Or
अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अभी 3-4 सवाल सिर्फ हम लेंगे। एक मिनट, शांत हो जाइए प्लीज। एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट खड़गे जी और राहुल जी आपका 4-5 सवाल लेंगे। संजीव, हाँ जी, एक मिनट, एक एक करके चिल्लाइएगा मत, प्लीज चिल्लाइएगा मत। हाँ संजीव। राहुल जी, although the NDA has emerged as, you know, they are getting the majority, but some of its partners have been your partners in the past, including the TDP and the JDU. So have you decided to sit in the opposition, or there are chances of government formation by the India government? We, as we have said earlier, तो देखिए राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। संविधान बचाने के लिए पहला स्टेप लेने की बात उनकी तरफ से की गई और कहा कि कांग्रेस का यही विजन है और इसी विजन से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए हमारी जीत भी हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने पिछड़ी जातियों को लेकर भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। और देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। राहुल गांधी की तरफ से जो कुछ भी कहा गया वो हम आपको बता रहे हैं। बहुत से सशक्त लोग चुप थे, ये कहा गया है। कांग्रेस देश की जनता के साथ खड़ी है। सबसे गरीब लोगों ने संविधान को बचाया है, इसका भी जिक्र किया उन्होंने। संविधान देश की आवाज है और इसी को बचाने की कवायद कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, ये कहना है राहुल गांधी का। और बहुत से सशक्त लोग चुप थे, इसकी भी चर्चा राहुल गांधी ने की है। तो लगातार बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारी सहयोगी शुप्रा भी हमारे साथ बनी हुई है। बिल्कुल।